हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुरेश पटेल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट ट्वीट आया हुआ है युवा सेना की तरफ से। आपको पता होगा कि युवा सेना फाइनल ईयर के स्टूडेंट को हर मूवमेंट पे सपोर्ट कर रहे हैं। वरुण सर, देसाई सर हमेशा आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जितने भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट है। दोस्तों, उन्होंने अभी एक ट्वीट किया है वरुण सर ने, और ट्वीट भी देख लीजिए, आपको इधर नीचे दिख रहा होगा, आज ही का ही है, 7 सितंबर 2020, जहां मैं सर्कल कर रहा हूँ दोस्तों आप लोगों को। एंड देन दोस्तों, उन्होंने क्या लिखा हुआ है पता है कि फाइनल ईयर की जो परीक्षा है वो एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होने वाले हैं, जो सही भी है। ये मतलब इतना मतलब कंफर्म हो चुका है दोस्तों कि अभी आप लोगों के जो एग्जाम है वो एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम ही होंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप ही एग्जाम होंगे। और वरुण सर का कहना क्यों ये सही है, बिकॉज सभी स्टूडेंट अपने घर बैठ के ही परीक्षा देने वाले, ऑनलाइन मेथड से ही परीक्षा देने वाले हैं। लेकिन वरुण सर का और एक चीज भी कहना है कि ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ये स्टूडेंट अभी तक कभी उन्होंने एग्जाम दिया नहीं है, इस तरीके का एग्जाम की तैयारी इन्होंने कभी ना किया है और ना कभी दिया है, तो ऐसे में स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही साथ उनका कहना है कि स्टूडेंट ने 6 महीने से ज्यादा टाइम हो गया है कि बुक को हाथ नहीं लगाया, स्टडी से उन्होंने मतलब काफी दूर हो चुके थे, क्योंकि लॉकडाउन में किसी ने भी स्टडी किया नहीं है, तो उनको काफी प्रॉब्लम आएगा। तो युवा सेना की तरफ से ऐसी डिमांड रखी जा रही है, सभी यूनिवर्सिटी को कहा जा रहा है कि क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करवाया जाए सभी स्टूडेंट को। तो आई होप दोस्तों कि कल के मैं लाइव सेशन में पहले ही बता दिया था कि यूनिवर्सिटी का खुद का प्लान है कि वो अपना क्वेश्चन बैंक बनाए और सभी स्टूडेंट को प्रोवाइड करे। तो जो हमारे वरुण सर भी है, उनका भी काम बहुत सही है, जो स्टूडेंट के सपोर्ट में दिखाई दे रहा है। तो आई होप दोस्तों कि आप लोगों को क्वेश्चन बैंक मिलेगा, जैसा कि मैंने कल के वीडियो में पहले ही बता दिया और ये आज के ट्वीट में